हाँ जी, इतने दिनों के बाद आप वापस आ गए, आपको आराम नहीं करना है क्या? ये मुझे डांट रही है कि मुझे सास है ये तुम्हारी छोटी सी हैं, आपको आराम करना चाहिए, डैडी को बोल देना अपने हैं नहीं। हाँ, मुझे सब बोलते हैं कि आराम करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी कमिटमेंट होती है जो दी होती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपका मतलब होता ना कि सपना होती है, तो ये खतरा खतरा शो एक ड्रीम था मेरा और हर्ष का और घर का शो है। और बाकी रही बात बेबी की, लोग बहुत बोलते हैं अरे बेबी को छोड़ के आ गए, वो छोटा है ना, बिल्कुल भी नहीं, बेबी अभी भी मैं बेबी को फीडिंग कराती हूँ और वो मेरा ही दूध पीता है, और घर में इतने सारे लोग हैं, दादी नानी बुआ मासियाँ, तो बच्चा सुबह से लेकर शाम के बाद मेरे हाथ में आता है, तो मैंने बोला शूट करके जाती हूँ, शाम को ही लूँगी, और बच्चा बहुत खुश है और सब लोग उसके साथ हैं, हमसे ज़्यादा उसके साथ घर में भी है अभी, और बहुत ही मस्ती में एंजॉय में है, बहुत जल्दी आपको बच्चा भी दिखाएंगे हम, है ना? जैसा कि ये पता ही है, ये तो मतलब प्रेग्नेंट होने के सीजरीन के लाइक कुछ 2-3 दिन बाद ही ऐसे खड़ी हो गई थी, और प्रॉपर मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बाकी इतनी स्ट्रांग हूँ मैं, जश्न स्ट्रांग है। अभी दूसरा बेबी खड़ी हो पीछे हो गए, नहीं नहीं फटाफट फटाफट फिर से एक और बेटा आ गया, उसको एक बहन चाहिए। अब लोग ये बोलने लगे अरे बेटा हो गया बेटी हो जाए तो दोनों का सेट हो जाए, मतलब हम कोई वो थोड़ी कपड़ा बेचते हैं कि हाँ मैडम ये देखिए इसके साथ ये सेट है, तो सेट थोड़ी मिलाने हैं ना आशा में, नहीं मिलाने अभी हो गया, अभी 2-3 महीने बात करते कुछ वैसे आज आपको कितना मजा है, आपने इतने लंबे टाइम बाद आप आए हो और आपके सामने इन्होंने परफॉर्म किया है, स्टार्ट किया है, ये तो करते ही रहते हैं बेचारे, और रात को भी आए इधर से तो करा है, बट बहुत मेहनत करते हैं, और ऐसा नहीं कि हर्ष ही मेहनत करता, जितने भी यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स आते हैं गेम्स खेलने के लिए, सच में वो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो ऐसी धमाल मचाते हैं ना कि हम उनको बार बार बुलाते हैं, और आज भी बहुत गीले होके, इतना ज़्यादा गीला हूँ कि अभी मेरे को ज़्यादा रहा तो बड़ी धमाल मचाएगी, है ना? तो इससे पहले कि पिता बीमार हो जाए, जाइए आप। आपके पैरों में मैंने देखा शूज में खतरा खतरा लिखा हुआ है, कितना खतरा खतरा लिखा हुआ, बिल्कुल, ये बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे प्यार करते हैं और हमको ड्रेसेस बना के दे देते हैं, शूज़ बना के दे देते हैं, और ऐसे ही किसी ने प्यार भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आज वही पहन लिया, क्यों मैं आज थोड़ी मतलब बेबी के बाद थोड़ी बीमार लग रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हो, बस यार ये आप लोग का ही प्यार है, हम डर जाते हैं कि जहाँ पे हम जाएंगे, चलिए आप जाइए, ये हमारे कैमरामैन से ये गुंडों की तरह देखते हैं, ऐसे इनको सेट पे पसंद नहीं कि कोई और कैमरा लेके आए, ओ कैसी हो रोजी रोजी भी आई है, सो बस आप लोग का प्यार और ब्लेसिंग है, तो हमको होता है कि शूट पे जा रहे मीडिया होगा तो अच्छे तैयार बन के जाए, और बड़ी ब्लेसिंग है आपकी, सब लोग बोलते अरे वापस आ गई वापस आ गई, यस कुछ लोग ये भी बोलते हैं अरे बच्चा छोड़ के आ गई इतनी भी क्या जल्दी थी, सो कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव बातें सुननी चाहिए और नेगेटिव नहीं, तो मैं पॉजिटिव बातें सुनती हूँ, क्योंकि हम कोई ऊपर से उतरी हुई परियां नहीं है जो हम इतना रेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारी वर्किंग वीमेन होती है जो एक एक हफ्ते के बच्चे को छोड़ के काम पे जाती है, है ना, और बहुत सारे ऐसे काम है जिनको करने ही पड़ते हैं और बेबी को छोड़ के जाना ही पड़ता है, बट हमारे साथ तो पूरी फैमिली, हमारा घर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे लगता है कि बेबी की पार्टी आज ही है, सो बस ऐसे ही काम करते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे, और आप लोग भी बस प्यार और ब्लेसिंग देते रहिए, अम्मी चाहेंगे आप भी हेल्दी रहें, खुश रहें, एंड ऐसे ही बहुत जल्दी ऐसे बेबी पकड़ के आपको एक इंटरव्यू दूँ, ठीक है? अपना नहीं बोला मैंने, किसी और का भी पकड़ के दे सकते हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, अब लगता है तू ये लेके जाएगा पैकअप के बाद, 5 मिनट बचे अभी खाना खाने को, उसमें भी इंटरव्यू ले दे, थैंक यू, टेक केयर मैम, लड़की का ध्यान रखना, 10th में पास होनी चाहिए, थैंक यू भाई, बाय बाय, दरवाजा बंद करो।